नहीं, मैं सिर्फ मटर के बारे में जानने आया। मटर कोरोना है, आपको पता है इस देश में कोरोना है। कोरोना आने वाला है, कंट्रोल कराओ आप लोग। सब लोगों की जिम्मेदारी है मटर पर। ये जो है, अगर बीमारी फैल गई तो आपका क्या होगा? बैठे हुए वो क्या करेंगे? स्वास्थ्य विभाग वाले देखेंगे ना, उसका काम है। भाई आप बीमारी आ जाएगी, आपको हो गई तब क्या करेंगे? कोई मर जाएगा। ये तस्वीरें हैं यूपी के महाराजगंज की। सफेद कुर्ता पहने जिस शख्स को आप देख रहे हैं, उनका नाम है प्रेम सागर पटेल और ये बीजेपी से विधायक है। मंत्री जी को कोरोना वायरस का डर सता रहा है। मंत्री जी सिसवा विधानसभा से विधायक है, जो भारत के आखिरी छोर पर नेपाल से सटा विधानसभा क्षेत्र है। दरअसल नेपाल के रास्ते भारत में सफेद मटर की तस्करी जोरों पर चल रही है। यहाँ बॉर्डर पर लगी तमाम सुरक्षा एजेंसियां सफेद मटर के काले कारोबार को रोकने में नाकाम है और यही विधायक जी के डर का कारण है। ये शिकायत मिल रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर मटर नेपाल से इंडिया में जो चाइना से आ रहा है। उन्हें डर है कि नेपाल के रास्ते आने वाली मटर कहीं भारत में कोरोना वायरस लेकर ना आ जाए। उनका कहना है कि ये मटर चीन से नेपाल होते हुए भारत में आ रही है। अगर इसकी तस्करी को नहीं रोका गया तो ये महामारी भारत में भी फैल सकती है। इतना ही नहीं, विधायक जी इसके लिए सदन में भी आवाज उठा चुके हैं। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का डर अब भारत में भी सताने लगा। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक मौजूद हैं, प्रेम सागर पटेल जी। विधायक जी, आप ये बताइए, क्या डर सता रहा है आपको? कैसे जो है भारत में आपको डर लग रहा है कि कोरोना आ जाएगा भारत में? इसलिए मेरा डर ये है कि एज ए मैन है, हम विधायक हैं, जनता हमको चुनी है। मैं ये पूरा एरिया नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है, सिसवा विधानसभा, यहाँ का मैं चुना हुआ विधायक हूँ। मुझे ये डर सता रहा है कि जो मटर आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, चाइना के माध्यम से कहीं कोरोना हमारे देश में ना जाए। ये ज़्यादातर बॉर्डर पर गरीब लोग रहते हैं, ये लोग मायूस हैं, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं और इनको जानकारी इसकी नहीं है। इसलिए हम जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों से जानने के लिए इस बॉर्डर तक आए हैं ताकि इसको रोका जाए। हम पुलिस से भी कह रहे हैं, हम SP से भी कह चुके, हम जिलाधिकारी से कह चुके, हम कस्टम के दफ्तर पर आए, देखे चाइना का मटर यहाँ रखा हुआ है। इसलिए हम भारत सरकार से भी अपील कर रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक जाती है तो यहाँ हर हाल में बॉर्डर पर ये मटर की तस्करी रोकी जानी चाहिए। अगर हम ढिलाई से प्रयोग करते हैं, ढिलाई से हम काम करते हैं तो भारत में भी सानिध्य है ये कोरोना वायरस आएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा अगर मटर की तस्करी हम नहीं रोकते। विधायक जी, आप सदन में भी आवाज उठाए थे, क्या मांग किया आप सदन से? हमने सदन से ही मांग किया कि हमारे नेपाल के बॉर्डर से बड़े पैमाने पर चाइना से मटर तस्करी हो रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। कोरोना जो दुनिया में फैला है ये चाइना के माध्यम से भारत में प्रवेश कर जाएगा तो बहुत दुखदायी होगा, इसको रोकने में बहुत दिक्कत पैदा होगी। तो ये थे विधायक प्रेम सागर पटेल जी, इनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो कनाडियन मटर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा है उसको हर हाल में रोका जाए, इसके लिए ये सदन में आवाज भी उठाए थे। अगर इस मटर की तस्करी को नहीं रोका जाता है तो कोरोना वायरस कहीं ना कहीं भारत में भी प्रवेश कर जाएगा और ये त्रासदी भारत में भी आ जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए मामले को लेकर सरकार की तरफ से एक नया बयान आया जिससे देश में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया है कि देश में कोरोना से ग्रस्त 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इससे पहले भारत में कोरोना वायरस के सिर्फ 3 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। तीनों मामले केरल में थे जहां मरीजों को इलाज के बाद ठीक भी कर लिया गया था। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ यूपी तक